झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ जारी है। वो करीब 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंची। उनके साथ पति अभिषेक झा भी मौजूद हैं। उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से लगभग 20 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ईडी पूजा से पूछेगी कि उनके खाते में आय से अधिक 1.43 करोड़ रुपए कहाँ से आए। उनके निजी खाते से 16.57 लाख रुपए सीए सुमन सिंह के खाते में क्यों ट्रांसफर किए गए। साथ ही ईडी पूजा से यह भी सवाल कर सकती है कि उन्होंने 2005 और 6 और 2012 से 13 में जो 13 बीमा पॉलिसी खरीदी और प्रीमियम 80.81 लाख रुपए जमा किए थे, उन्हें बीच में ये पॉलिसी को बंद क्यों कराया गया। और साथ ही साथ पॉलिसी को लेकर के 84.64 लाख रुपए क्यों निकाले गए। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर शुक्रवार को छापा मारा था। सीए सुमन सिंह के पास से 19.31 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद ईडी ने सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में ईडी ने सुमन सिंह को रिमांड पर लेने से पहले जानकारी दी थी कि मनरेगा घोटाले के दौरान जब पूजा सिंघल कई जिलों में डीसी थी, तब उनके और उनके पति के खाते में वेतन से अधिक 1.43 करोड़ रुपए थे। पूजा ने 3.96 लाख 2015 में सुमन सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। पूजा सिंघल के ससुर भी उतने ही रंगीन मिजाज थे। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा के पिता कामेश्वर झा संयुक्त बिहार में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी थे। अपने कार्यालय के दौरान वे भी खूब चर्चा में रहे। शुरमा लगाने की वजह से हमेशा अपने अधिकारियों और कर्मियों के बीच चर्चा में रहते थे। दुमका के कार्यालय के दौरान तत्कालीन डीसी ने उनकी जमकर फटकार भी लगाई थी। इतना ही नहीं, उनके महिला सहयोगियों ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।